अन्नदान महादान। तो अलग अलग स्लम एरियाज में हम लोग प्रतिदिन खिचड़ी प्रसाद जो है वो वितरित करते हैं। आप जितने भी लोगों का अन्नदान कराना चाहते हैं, जरूरतमंद, जितने भी जरूरतमंद लोगों को आप चाहते हैं कि आप खाना खिलाएं, तो आप उन लोगों के लिए दान कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, अन्नदान परम दान है, और ये जो अन्नदान प्रोजेक्ट है पिछले 2 सालों से चल रहा है, मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ और इसमें ना केवल मैं कंट्रीब्यूशन करता हूँ, जबकि मुझे समय जब भी मिलता है मैं खुद स्वयं जाके इन बस्तियों में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। मेरा नाम सुरेश चौहान है, मैं ब्रिजस्टोन में वर्किंग हूँ, और ये सोसाइटी में ऐसा काम है जिसमें मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सोसाइटी में ये जो बच्चे हैं और ये सोसाइटी में जो लोग जिनको खाने का बहुत प्रॉब्लम होता है, इनको मैं किसी तरीके से सेवा और सहायता कर सकूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम लोग इस्कॉन गाँव से आए हैं, हम लोग रोज पिछले 2 सालों से कंटिन्यूस हम लोग फूड फॉर लाइफ अन्नदान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोग इसमें गरीब लोग, हम लोग स्लम एरियाज में रोज जाते हैं और खिचड़ी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं स्वयं भी जब भी समय मिलता है सेवा करने के लिए आता हूँ, जब भी समय मिलता है मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ। तो आप भी, मैं सहयोग आशा करता हूँ आप भी सब इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। हम लोग इस प्रोजेक्ट को पिछले 2 सालों से कंटिन्यू कर रहे हैं, रोज विदाउट फेल हमारे यहाँ से 550 प्लेट खिचड़ी प्रसाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं स्वयं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एक MNC में कार्यरत हूँ, उसके बावजूद थोड़ा जब भी समय मिलता है मैं आके सेवा देता हूँ। आप भी आके कभी भी सेवा दीजिए। हरे कृष्णा। एक छोटा सा निवेदन और है कि कृपया इन बच्चों के लिए अन्नदान करने के लिए पर्वों और त्योहारों का इंतजार मत करिए, क्योंकि इन सबको भूख जो है हर रोज लगती है। तो बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि खाना बांट के आप लोगों को लेजी क्यों बना रहे हैं, तो हम क्या उम्मीद करते हैं? ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये लोग काम करने जाएंगे कहीं और इन लोग पैसे कमाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं क्या हम? इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी धारणाएं ना रखें और इन लोगों के लिए अन्नदान करते रहें, ताकि हम लोग कंटिन्यूसली आके यहाँ और इन सबको सपोर्ट कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। खिचड़ी प्रसाद अच्छा लगता है आप लोगों को? हाँ। तो सबको थैंक यू बोल दो एक बार। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।